जो बच्चा आपको नजर आ रहा है ये कुछ ही समय पहले मौत को छूकर लौटा है और इसका यूं जिंदा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। दरअसल सागर जिले के करैया गांव में रहने वाला शिवचरण राजौरिया का बेटा शिवा पानी इकट्ठा करने के लिए खोदे गए एक गड्ढे में गिर गया। शिवा को यूं डूबता देख उसके 6 वर्षीय भाई कार्तिक ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वो भी इसमें डूबने लगा, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने दोनों को बाहर निकाला। इस बीच कार्तिक तो सुरक्षित था, लेकिन शिवा की सांसें थम गईं और घर वालों को एक बार के लिए लगा कि मानो अब वो उनके बीच नहीं रहा। फिर बाद में जो हुआ उसके बाद उनका भगवान पर यकीन कई गुना बढ़ गया। लाल टी शर्ट से समझ में आई तो उसने पास में जाके देखा तो उसे साफ शिवा समझ में आया, तो उसने चिल्ला करके और छलांग लगा दी और पानी उसके गर्दन के ऊपर तक था लगो। तो उसके बताए अनुसार ये था कि उसने एक रस्सी पड़ी हुई थी बाजू में, मतलब एक उसको मशीन को साधने के लिए एक काली रस्सी बनी हुई है, उसको पकड़ करके और पानी में डूब करके और उसने निकाला और तब तक साधे रखा तब तक कि हम लोग नहीं आ गए। और जैसे ही आए तो हम लोगों ने देखा कि उसमें कुछ हरकत भी नहीं हो रही थी, वो पल्स भी नहीं चल रही थी, धड़कन थी नहीं। हम लोगों ने उल्टा लिटाया उसको, घबरा चुके थे पूरी तरह से, उसको दबाया, थोड़ा सा पानी निकला। इतने में हमारे मंजिले भी अशोकांत राजौरिया आ गए और गाड़ी से झट से झट लेकर के सुरक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचे। साकिया साहब ने इलाज किया और वहाँ पर थोड़ा सा और उल्टी हुई, तब तक उसकी थोड़ी सी सांस चलने लगी, तो तत्काल में लेकर के और हम लोग सागर गए। और भगवान की असीम अनुकंपा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हमारा बालक आज स्वस्थ है। वहीं जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर LS शाक्या का कहना है कि इतनी क्रिटिकल स्थिति में बच्चे को लाया गया था कि उसकी धड़कनें भी नहीं चल रही थीं, लेकिन समझदारी से इलाज की वजह से उसे बचा लिया गया। हम इसे भगवान का चमत्कार ही मानकर चलेंगे। कल क्या है कि मैं रूटीन विजिट पे था सुर्खी में, उस समय मेरा रेसिडेंस है वहाँ। जब मैं वहाँ पहुँचा थोड़ी देर हुई थी मेरे को, लगभग आधे घंटे, उस समय करैया ग्राम से एक छोटे से बच्चे को, लगभग 4-5 साल उम्र थी उसकी, उसको गोद में लेके उसके पिताजी और दादा लेके आए थे। बताया कि पानी में डूब गया है, उसकी धड़कन और सांस दोनों बंद हो गई थी। मैंने उसको चेक किया, उसके पेट में पानी भरा था, मैंने उसके पेट के पानी को निकाला, इंजेक्शन लगाया, उसके बाद उसको प्राथमिक उपचार दिया और उसकी धड़कनें चालू हो गई और लगभग उस कंडीशन में आ गया था कि लगभग ठीक है। फिर उसके एक्चुअली क्या है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जैसे फेफड़ों में पानी भर चुका था उसको, इसलिए मैंने प्राथमिक उपचार करने के बाद, पानी निकालने के बाद, मैं उसको जिला चिकित्सालय सागर भेज दिया। लगभग 2 घंटे बाद फिर मैं उसको, जब उन्होंने जिला चिकित्सालय के अलावा चेतन हॉस्पिटल में भर्ती किया, तो उसके 2 घंटे के बाद मैं खुद स्वयं चेतन हॉस्पिटल गया, उस बच्चे को चेक किया, ICU में भर्ती था। उस समय उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी और लगभग ठीक था। इसे चमत्कार कहीं या कुछ और, लेकिन मौत को छूकर आया ये बच्चा इस वक्त लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पंजाब केसरी के लिए सागर से देवेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।